हेलो बच्चों, आज आप देखने ऐसे सेंटेंस कुछ जा रहे हो जो सेंटेंस कुछ अटपटे ढंग के होते हैं और बच्चों के द्वारा टीचर्स से पूछे जाते हैं और वे बच्चे दूसरे टीचर्स के कहने पर ही अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछते हैं केवल उनका एज ए टेस्ट लेने के लिए। तो ऐसे कुछ अटपटे से सेंटेंस आज हम आपके लिए लाए हैं और आगे भी ऐसे सेंटेंसेस की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग लाइक करें वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमारी न्यू वीडियोस पहुंचती रहें। तो जैसे सेंटेंस हमारे होते हैं, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, मैं सेब खाते खाते गिर गया, दादाजी कहानी सुनाते सुनाते हंस दिए। तो इसमें क्या है, डबल बार हर वर्ड को यूज किया गया है। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, मीरा पढ़ते पढ़ते सो गई। तो देखिए, डबल टाइम जब कोई भी वर्ड लिखा होता है तो उसके लिए एक रूल है, जैसे होता है पढ़ते पढ़ते, तो वाइल रीडिंग, वाइल शब्द का यूज करेंगे, उसके बाद आप यूज क्या करेंगे, रीडिंग। इसका अर्थ होता है पढ़ते पढ़ते, खाते खाते, यानी अचानक से कोई काम हो जाता है, ये टाइम को बताता है, वाइल रीडिंग, जबकि। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, तो आप समझ लीजिए, जैसे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो द 25 पेज या फिर द पेनी, चवन्नी को कहते हैं, द पेनी क्या हो गई, घिस गई, स्क्रैच्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, स्क्रैच्ड, कैसे, वाइल स्क्रैचिंग, घिसते घिसते। मैं सेब खाते खाते गिर गया, I fell down, मैं गिर गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको नॉलेज होगी, और नहीं होगी तो हमारे वीडियोस में आप टेंसेस के वीडियो भी देख सकते हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सारे टेंसेस के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप आसानी से उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो I fell down while eating apple, दादाजी कहानी सुनाते सुनाते हंस दिए, तो द Grandfather laughed while सुनाते सुनाते, while telling story, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो लोटा, लोटा के लिए बोलते हैं the pot fell down, लुढ़क गया के लिए क्या बोलोगे, fell down, गिर गया, यानी कि the pot fell down, लुढ़कते लुढ़कते, while rolling, लुढ़कने की क्या होती है, लुढ़क, रोलिंग, मीरा पढ़ते पढ़ते सो गई, तो मीरा स्लेप्ट वाइल रीडिंग। तो इस तरीके से आप डबल टाइम सेंटेंसेस को जो भी लिखे होते हैं उसको इस तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि लिखने का कुछ ऐसा होता है कि लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क, यानी कि तीन बार हमने एक ही शब्द को बोला है, तो क्या है, कुछ कंफ्यूजन सी हो जाती है सेंटेंसेस में। तो आगे की वीडियोस भी आपको इस तरीके से लाएंगे, जैसे एक ही शब्द को आपने तीन या चार जगह लगाया है, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे तंग घोड़े ने तंग आकर तंग सवारी को नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पर तंग शब्द हमने जो है वो तीन बार यूज किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को देखने के लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।